एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रिटिश शासनकाल की क्रूरता के शिकार देश के कई लोग हुए। स्वतंत्रता की लड़ाई में ऐसे कई वीर हैं जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन ऐसे भी कई हैं जिन्हें हम नहीं जानते। देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले एक ऐसे ही शख्स की कहानी आज हम आपको बताएंगे जिसका अंतिम संस्कार 109 साल बाद हुआ। धूमधाम से शव यात्रा निकाली जा रही है, भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, आसपास के सभी लोग इस शव यात्रा में शामिल हैं। हो भी क्यों ना, पूरे 109 साल बाद शव यात्रा जो निकली है। बलरामपुर में निकली ये शव यात्रा उस शहीद की है जो अंग्रेजों की क्रूरता का शिकार हुआ था। बात 1913 की है, जब आदिवासी लाकुर नगेशिया अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। इसी दौरान सामरी पाठ में अकाल पड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने लगान वसूलना बंद नहीं किया। लाकुर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें इसकी सजा मौत के रूप में मिली। लाकुट का शव सरगुजा के एक स्कूल के पास दफना दिया गया। नागेशी समाज के लोगों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उनकी अस्थियां उन्हें सौंपी जाए ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। और अब 109 साल बाद जब लाकुट की अस्थियां समाज को मिली तो उन्होंने विधिवत उसका अंतिम संस्कार किया। समाज के लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की और उन सब का आभार जताया जिन्होंने इसमें सहयोग किया। जो है 90 के दशक से हम लोग जो प्रयासरत थे, लेकिन किसी कारणवश कई जगह मतलब कि हम मांग करने के बावजूद भी सफल नहीं हुए। लेकिन आज जो है चिंतामणि महाराज जी, इसके लिए मैं बहुत मेहनत किए और जो है ऊपर से नीचे तक सहयोग दिए। इसके साथ में और भी कई मतलब के हैं जो संगठन हैं, सभी ने मतलब कि इसको वो करने के लिए साथ दिए। इसके लिए संघर्ष काफ़ी पहले से प्रयासरत था और अंतोगत्वा आज इसमें हमें सफलता मिला है। और इस सफलता के पीछे यहाँ के आम जनता और सभी मतलब समुदाय के लोगों का साथ रहा है। और ये जो है विशेष रूप से हमारे महाराज जी जो हैं हमारा साथ दिए, हमारा समाज उनको मतलब धन्यवाद ज्ञापन देती है। शहीद लाकुर की अस्थियां वापस लाने में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज का बड़ा योगदान रहा। वह अंतिम शव यात्रा में भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि समाज के लोगों की मांग पर सीएम भूपेश बघेल से बात की, सरगुजा कलेक्टर से भी बात की। चिंतामणि महाराज ने नगेशिया आदिवासी समाज के लोगों की मांगों पर मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही। ये संभवतः 1913 का मामला था, तब से अभी तक लोग लगे रहे, लेकिन अभी यहाँ के विधायक बनने के बाद समाज के लोग हमको बोले कि भाई इस तरह का स्थिति है, अगर आप इसमें सहयोग करते तो अच्छा होता। मैं बोला बिल्कुल सहयोग करूँगा भाई, आप लोग के सहयोग के लिए तो हूँ। फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, कलेक्टर से बात किया, तो मुख्यमंत्री जी का भी उधर से जो भी आदेश निर्देश हुआ होगा, फिर इधर कलेक्टर साहब के यहाँ मिले, फिर वहाँ से ये सब स्थिति बना और आज ये सुखद क्षण हम देख पा रहे हैं कि आज 1913 से जिनके अस्थि का इंतजार था, आज 4 तारीख को अग्नि संस्कार के द्वारा उसको संपन्न किया गया और समाज काफ़ी संतुष्ट है। निश्चित रूप से समाज का जो मांग है उसको मैं प्रदेश के हमारे जो मुखिया हैं उनके पास रखूंगा। शहीद लाकुड़ के अंतिम संस्कार में पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साई भी पहुंचे, जहां उन्होंने लाकुड़ का नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के नाम में शामिल कराने का वादा किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के महान सेनानी, इनकी श्रेणी शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद वीर बुद्धू भगत, न जाने कितने लोग हैं उस श्रेणी में इनका नाम है। दुर्भाग्य से उनको हम लोग जल्दी ऊपर नहीं ला पाए, आज उनका स्मरण भी हुआ है, सब रोमांचित हैं और आगे इनके इस बलिदान को जीवंत करने के लिए और भी प्रक्रिया पूरा किया जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ।
और प्रशासन ने भी इसको बड़ी तेजी से बाहर निकाला और आगे बढ़ाया है कार्यक्रम को। आगे जो जो प्रक्रिया करना है वो आगे किया जाना चाहिए और इनके इस अमर बलिदान को अमर कर दिया जाना चाहिए। देश के लिए शहीद हुए लाखुड़ को 109 साल बाद अंतिम संस्कार किया गया। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उन्हें शहीद और स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले। उपेश सिन्हा, न्यूज 18, बलरामपुर।